लास्ट वीडियो में हमने सीखा बिजनेस कार्ड और लेटर हेड कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है, एक ब्रांड के लिए है जिसकी हम एक तरह से सीरीज बनाई हुई है, पूरी ब्रांडिंग तैयार कर रहे हैं विद ब्रांड गाइडलाइंस। तो एंड पे मैं आपको ब्रांड गाइडलाइन बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस कार्ड और लेटर हेड बनाया, उससे प्रीवियस में हमने लोगो बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके लाजमी चेक करें। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इनवेलप डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। ये एक A4 साइज़ का पेपर का हमने जो है वो लेटर हेड डिज़ाइन किया है। अब हमने जो इनवेलप का साइज़ लेना है वो होता है नंबर 9, ठीक है। इनके नंबर्स होते हैं नंबर 9, नंबर 10, मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। अब ये है envelopes.com और /envelope sizes, अगर आप जाएं तो वहाँ पर देखें आपके पास स्क्वेयर फ्लैप इन्वेलप्स भी मौजूद हैं, कॉन्टूअर भी है और रेगुलर इन्वेलप्स भी है। तो हम मोस्टली रेगुलर इन्वेलप्स का डिज़ाइन ही देते हैं कस्टमर को। अगर उसने किसी और तरह का इन्वेलप मांगा है तो वो यहाँ पर साइजेस मौजूद होते हैं, आपने जो साइज़ नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो लेटर हेड हमने बनाया है वो A4 पे बनाया है, तो ये देखें नंबर 9 जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो साइज़ है 8.78 तक है और 3.78, ठीक है, यानी कि 3.75 और 8.75 ये वैल्यूज़ हैं, और जो कि लेटर हेड जो कि A4 साइज़ से बड़ा है, ठीक है, विड्थ में, सॉरी। तो हमें नंबर 9 है और नंबर 10 तो वैसे भी बड़ा है साइज़ में भी, तो अगर दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर नंबर 9 यूज़ करें। आप जैसे ही ओपन किया है यहाँ पर देखें आपके पास नंबर 9 रेगुलर इन्वेलप्स, ये साइज़ लिखा आ गया इंचज़ में, ठीक है, और ये स्टाइल्स हैं डिफरेंट। तो यहाँ से हम डिफरेंट साइज देख सकते हैं, रेगुलर है, रेमिटेंस है, स्क्वायर फ्लैप है, विंडो डबल विंडो वाले जिसमें एक सुराख होता है और आपके नीचे से पेपर के ऊपर एड्रेस दिखा होता है या जो भी नाम वगैरह हो वो दिख रहा होता है, विंडो सिंगल, तो ये आपके पास मौजूद है। जो भी आपने करना है यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है, और वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर ये आपका प्रीव्यू आ गया, इस किस्म का कुछ फ्लैप बनेगा, यानी कि वो आपका इनवेलप बनेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की स्पेक्स आ गई हैं, ठीक है, हमारे पास ये साइज़ आ गया है और पेपर वेट का हमें अभी, क्योंकि हम प्रिंटिंग नहीं करवा रहे, सिर्फ हमें साइज ही से ही कंसर्न था, और मैट्रिक्स साइज़ आ गया यहाँ पे और विंडो साइज़ आ गई यहाँ पे एंड सो ऑन। तो अगर हमें अब इसका टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड फ्रंट टेम्पलेट और डाउनलोड बैक टेम्पलेट, तो बारी बारी हम दोनों डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने पहले भी किया हुआ है लेकिन दोबारा कर लेते हैं, पहले मैंने रेगुलर किया था, अब मैंने वो विंडो वाला किया ताकि विंडो भी हम देखें वो कैसे सेट होनी। इसको ओपन कर लें PDF को, तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा जूम करके देखें तो प्रिंट इन दिस एरिया इज़ नॉट रिकमेंड एंड विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना कोई कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ वाइट वाले एरिया के अंदर ही अपना सारा कंटेंट ऐड करेंगे। और बैक भी ओपन करके देख लेते हैं, तो बैक ये है, ठीक है। अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फ्लैप का कलर ये वाला जो है वो कर सकते हैं हम कलर चेंज, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, आप सिर्फ फ्रंट बना के ही अपलोड कर दें, उनको सेंड कर दें, वो हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर कह रहा है मुझे बैक भी चाहिए तो फिर आप बैक के ऊपर भी कोई प्रिंट श्रिंट या कोई डिज़ाइन वगैरह बना के देना, तो वो हमें ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं Adobe Illustrator में, तो पहले हम रेगुलर फ्रंट को पकड़ते हैं और Illustrator में ओपन करते हैं, सीधा PDF ओपन कर लेते हैं। अब ये आपके पास आ गया जी यहाँ पर साइज़, ठीक है, मैंने Ctrl+A किया और इसको डिलीट कर दिया, इसको सेव एज कर लें और रेगुलर फ्रंट डाउनलोड्स पे कर रहा हूँ, रेगुलर फ्रंट PDF की जगह AI और यहाँ से कंपनी का नाम लिख दें, लें जी ये आ गया, ठीक है। अगर तो आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये रहे, ठीक है, ये जो आपके पास ब्लू लाइन है बेसिकली ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, तो इसको हम Ctrl+2 कर लेते हैं ताकि हमें बाद में हम डिलीट करें, क्योंकि ये डिलीट नहीं करेंगे तो इसी तरह ये फाइल प्रिंट हो जाएगी। तो हम इसको फिलहाल लॉक लगा रहे हैं और अपना जो कंटेंट है लेटर हेड से उठा के इस जगह पर ले आते हैं, पेस्ट कर देना सिंपली, और ऑब्वियसली ये CMYK में ही डिज़ाइन होगी सारी। सो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं इस जगह पे, ठीक है, एज यूजुअल, और अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगा देते हैं और ये चीज़ इधर ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं ताकि अगर कोई कंटेंट कट भी जाए, पैटर्न कट जाए, कोई बैकग्राउंड है वो कट जाए, लेकिन हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव रहे, ठीक है, जैसे एड्रेस नंबर ये वो। तो हमने सिंपली यहाँ पर अपना
वो एडजस्ट किया है। अगर आप यहाँ पे इन्वेल्प वगैरह देना चाहते हैं तो वो बॉक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो मशीन का काम है या ऑलरेडी प्रिंटेड इन्वेल्प्स होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ उनके ऊपर ये कलर ही ये इन्फॉर्मेशन ही प्रिंट करते हैं, वो ऑलरेडी बने होते हैं उनके पास इन्वेल्प्स, तो उनको रख के मशीन के नीचे वो प्रिंट कर देते हैं। उनके पास ऑलरेडी खाली इन्वेल्प्स पड़े होते हैं हज़ारों की तादाद में, उन्होंने जस्ट क्वांटिटी उठा के मशीन के नीचे रखना है और वो प्रिंट करता रहता है रोल, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो हमारा इन्वेल्प रेडी है इस वक्त, ठीक है। लेकिन अगर आप बैक भी दिखाना चाहते हैं तो फिर हम वो जो PDF डाउनलोड की है डाउनलोड्स के फोल्डर में, वहाँ पे चलते हैं और उसको ड्रैग करके उसी तरह इलस्ट्रेटर में लेके आते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लेके आएंगे, ये इसका अलहदा हमने कर देना, ठीक है। राइट क्लिक करके अनग्रुप, मैं ये वाला एरिया बाहर निकाल लेता हूँ और इसको उठा के कॉपी करते हैं जी। कॉपी कर लिया और इधर लेके आ गए, पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं फ्लिप और इसको लगा लेते हैं इधर, ठीक है। सेंटर कर लिया, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करना पड़ेगा जी, क्योंकि ब्लीड शलीड का रोला होता है। और इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया जी, और इसका जो भी कलर करना है यहाँ से हम कलर ये कर देते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल ऑल टू और ये हमने इसको रिमूव कर दिया, और जो जो चीज़ें आपने रिमूव करनी थी वो कर सकते हैं। ले जी, हमारा इन्वेलप का डिज़ाइन भी तैयार हो गया है, ठीक है। और ये चीज़ हम नुक्कड़ में लगा देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो लें जी, हमारा जो इन्वेलप का डिज़ाइन है वो भी तैयार हो गया। अब हम अपने डिज़ाइन को किसी मॉकअप पे लगा के फाइनल करते हैं ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, अपनी जो फाइल्स हैं स्पेशली, ठीक है, ये वाली ग्रुप कर लेते हैं, इसको अलहदा, इसको अलहदा, और उसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। लेटर हेड था, लेटर हेड को पूरे को हमने कर दिया ग्रुप, ठीक है, ये पूरे को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिए। और इसी तरह हमारे पास था बिजनेस कार्ड, तो बिजनेस कार्ड को भी हमने इसको भी ग्रुप कर दिया अलग से और इसको भी ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब फाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, अब यहाँ पे JPEG यूज़ और बिजनेस कार्ड दोनों आर्टबोर्ड्स निकाल लेंगे और यहाँ से RGB और 300 DPI पे करते हैं, रोके प्रेस कर देते हैं। अब हमने लेटर हेड सेम सेटिंग, फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यूज़ आर्टबोर्ड, एक्सपोर्ट और यहाँ पे 300, कलर मोड RGB और ओके प्रेस कर देते हैं। सिमिलरली ये चीज़ थी फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यहाँ से JPEG एक्सपोर्ट कर दिया CMYK के RGB और ओके। ये चीज़ अलहदा से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, तो या इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं अलहदा से, आपने एसेट एक्सपोर्ट से कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। ये हमारा एनवेलप का डिज़ाइन भी एक्सपोर्ट हो गया, सारा कुछ डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ा है। अब हमने एक अच्छा सा मॉकअप ढूंढना है, तो चलते हैं जी फोटोशॉप में। मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा मॉकअप्स पड़े हैं जो मैंने ग्राफिक रिवर से परचेज़ किए हैं, आप लोग भी लाइक ढूंढ सकते हैं वहाँ पे जाके। तो मेरे पास स्टेशनरी के मॉकअप्स हैं, ठीक है, एंड तो मेरे पास कुछ हैं मॉकअप्स, इनको बारी बारी ओपन करते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सो ये कुछ मॉकअप्स के पड़े हैं मेरे पास लाइक टेम्पलेट्स, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप में की फाइल्स हैं, ठीक है, मैंने कहीं से परचेज़ किए थे, आई थिंक ग्राफिक रिवर्स ही थे। सो ये हमने ए लेटर हेड पड़े हुए हैं, ठीक है, ये, और ये डायरी का डिज़ाइन है, सिर्फ लोगो पुट करना है। और ये इन्वेलप है, देखें ये जो इन्वेलप मैंने लिफ सिरामिका के लिए बनाए थे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर उनके एड्रेस हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके जो ब्रांड डिज़ाइन कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि जो लेटर हेड था उसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से मॉकअप को चूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ, और फाइल यहाँ से प्लेस कर देना है आपने, प्लेस एम्बेडेड, और जो डाउनलोड्स पे हमने लेटर हेड किया है उसको यहाँ पर प्लेस कर देना। और थोड़ा सा हम ये देखें, ये जो स्पेस आ रही ना, ये आपकी थी ब्लीड, ठीक है, इसको हमने लगा देना है नुक्कड़ पे, ये देखें, बड़ा कर देना साइज़, और कंट्रोल एस कर देना है और कंट्रोल W,
ये आपका डिज़ाइन आ गया अच्छी तरह, ठीक है। इसी की हम कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड देन इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है जी। तो ये आपका जो है लेटर हेड का आ गया। ये हमने जो है ना एक गलती ये हुई थी हमसे कि हमने जो कंटेंट था बोर्ड का रजिस्टर था उसमें अगर लाइन्स में स्पेसिंग करते तो बड़ा खूबसूरत रिजल्ट आता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं जी हमारे बिजनेस कार्ड्स के ऊपर, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा बिजनेस कार्ड है। अनफॉर्चुनेटली इन बिजनेस कार्ड का साइज 3.5x2.0 नहीं है, ये दूसरा एक साइज होता है और USA में मोस्टली यूज़ होता है आई थिंक, तो ये उन उस साइज़ के ऊपर बना है, लेकिन कोई बात नहीं जी, हम इसका रीसाइज कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू, और इसका भी बैक फाइल प्लेस, और यहाँ पर ये बैक पड़ा था और इसको भी हम थोड़ा बहुत रीसाइज कर लेते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू ले जी। इनवेलप की तरफ आते हैं, डबल क्लिक किया और यहाँ से फाइल और प्लेस एम्बेडेड, और हमारा जो इनवेलप का डिज़ाइन है यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। नहीं जी, थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क आ गया, वो किसी और साइज पे भी डिज़ाइंड है और ये किसी और साइज़ में डिज़ाइंड है, तो टेंशन ही लेनी है आपने, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर हम वाइट कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू लें जी, हमारा लेटर भी लेटर हेड भी तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम वो एक स्क्वायर लगा सकते थे या राउंड रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल लगा सकते थे अपनी मर्जी से, अगर आप दिखाना चाहते हैं लाइट ग्रे कर दें इसको और कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू, तो अब यहाँ पे वो जो कटी हुई इन्फॉर्मेशन है या विंडो थी वो हम दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये फ्लैप रह गया, डबल क्लिक करें फ्लैप का, देखिए यहाँ पर सिर्फ आपने कलर लगाना है वो वाला, तो कलर हमारा जो था किधर गया जी, ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये रहा, यहाँ पे हमने कलर पुट किया, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू, और ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये पूरी स्टेशनरी यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी। अब ये आइकन अगर आपने हाइड करना था वो भी हम कर सकते हैं, पूरी आइटम ये देखें, ठीक है, आपकी च्वाइस है। बिजनेस कार्ड को यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, ये मूवेबल है। अब रहा कलर, तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे डबल क्लिक करके आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें, तो आई एम गोइंग टू गिव इट अ ग्रे, ग्रे कलर, ठीक है, ये देखें, और ओके प्रेस करते हैं। हमने अपनी स्टेशनरी जो है वो एक मॉकअप पे सेट कर लिया, अब इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज, और यहाँ पर JPEG करते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, डाउनलोड में ही सेव करते हैं, नहीं जी ओके प्रेस कर दिए। सेम चीज़ें हम किसी और स्टेशनरी पे भी लगा सकते हैं, जैसे ये था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था, सिमिलरली दिस वन और दिस वन और दिस वन, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो इस पे भी हम जल्दी से लगा लेते हैं। तो हमने अपने डिज़ाइन जो हैं वो एक मॉकअप पे लगाए हैं और बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड आई लव्ड इट। और इसी तरह हम ये चीज़ कस्टमर को विद सिंपल डिज़ाइन जो हमने एक्सपोर्ट किए वो भी, प्लस ये एज ए प्रीव्यू हम उसको प्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हैं कि ये देखो भाई किस तरह का आपको लग रहा है, अगर कोई चेंजेस वगैरह चाहिए तो बताओ, या नहीं भी चाहिए तो ये देखें फाइनल जो टच है हम कुछ इस तरह का दे सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। तो आई होप ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा किस तरह हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं स्पेशली काम करता हूँ, लोगो कैसे कर लिया, फिर कार्ड, फिर लेटर हेड, इनवेलप डिज़ाइन, फिर मॉकअप्स, एंड देन ब्रांड गाइडलाइन, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा कैसे मैं तैयार करता हूँ। और ये चीज़ भी बताऊँगा कि ब्रांड गाइडलाइन की अलग से सर्विस भी हम दे सकते हैं एक जगह पर, और आप पैसे कमा सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है जी। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग नए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करना है,
नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताएं जी कैसा लगा ये वीडियो, और बनाऊं इस तरह के वीडियोस के नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।